हेलो फैमिली, कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए 4 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, 5 लहसुन की कलियां और एक छोटा सा अदरक। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को लंबा लंबा काट लिया है। प्याज को भी हमने लंबा काट लिया है। टमाटर हमने डाइस में काटे हैं। हरी मिर्च, लहसुन, अदरक ग्रेवी में हम यूज़ करेंगे। यहाँ हमने कुछ खड़े मसाले भी लिए हैं और दूसरे पीसे हुए मसाले भी हैं। गरम मसाला पिसा हुआ है, हींग, 2 सूखी लाल मिर्च, उसके अलावा हमने ये जीरा लिया हुआ है, लौंग ली है, दालचीनी है, ये छोट ज़्यादा नहीं लेनी है, दालचीनी कम लेनी है, 2 पत्ती हमने तेज़ पत्ती ली है, 2, उसके अलावा ये काली मिर्च। लगभग 300 ग्राम हमने पनीर लिया है। उसके बाद नमक लिया है, नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। जीरा है, धनिया पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, अमचूर है और धनिया की हरी पत्ती है। एक मेन इंग्रेडिएंट है जो बाद में बताएंगे हम। ये ग्रेवी अब हम तैयार करेंगे अच्छे से। उसी कढ़ाई में हम लोग ऑयल डालेंगे, साथ में डालेंगे जीरा, जो बची हुई हींग थी वो भी डाल देंगे हम साथ में, और जो लंबा कटा हुआ प्याज था बचा हुआ वो भी डाल देंगे, और इस प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर प्याज आपके जैसे ही हल्के से लाल हो जाएं, इसमें हम वो ग्रेवी डाल देंगे जो हमने मिक्सी में पीसी थी, पहले जो हमने तैयार की थी ग्रेवी वो इसमें डाल देंगे हम। उसको अच्छे से भून लेंगे। ये पक चुकी है ग्रेवी, अब इसमें हम डालेंगे भुना हुआ जीरा मसाला, लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए इसमें, अमचूर पाउडर, देगी मिर्च, इसको अच्छे से हिला लेंगे और उसके बाद ग्रेवी का कलर देखना बिल्कुल लाल हो जाएगी। इसके अलावा स्पेशल जो इंग्रेडिएंट था हमारा वो है दूध, 1 कटोरी दूध लगभग हम इसमें डालेंगे। इसको ग्रेवी को हिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हमें पकानी नहीं है इसलिए हमने सबसे लास्ट में इसको डाला है। ये डालने के बाद इसको हिला के छोड़ दीजिए। मसालों को बैलेंस करने के लिए हमने इसमें एक चीज का और इस्तेमाल किया है, वो है टोमेटो केचप। लगभग 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें टोमेटो केचप का इस्तेमाल किया है, जिससे मसाले सब बैलेंस्ड हो जाएंगे। हमने
चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, चीनी से थोड़ा मीठा मीठा सा हो जाता है, ये आपको खट्टा मीठा सा टेस्ट देगी। लास्ट इसमें लगभग एक बड़ा चम्मच हम कस्तूरी मेथी डालेंगे। इसको हथेली पे रख के अच्छे से क्रश करके इसमें मिक्स कर दीजिए और अच्छे से हिला लीजिए।